हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सुचित्रा आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का नाम है शेरनी का तीसरा पुत्र। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। किसी घने जंगल में एक शेर और एक शेरनी साथ रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते और शिकार को मारकर साथ में बराबर बराबर खाते थे। दोनों के बीच में विश्वास और भरोसा भी खूब था। कुछ समय के बाद ही शेर और शेरनी दो पुत्रों के माता पिता भी बन गए। जब शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया तो शेर ने उससे कहा कि तुम अब शिकार पर मत जाना, घर पर रहकर खुद की और बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही हम सब के लिए शिकार लेकर आऊँगा। शेरनी ने भी शेर की बात मान ली और उस दिन से शेर अकेले ही शिकार के लिए जाने लगा। वहीं शेरनी घर पर रहती और बच्चों की देखभाल करती। बदकिस्मती से एक दिन शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर जब वह खाली हाथ घर के तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में लोमड़ी का एक बच्चा अकेले घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा आज उसके पास शेरनी और बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं है, तो वह इस लोमड़ी के बच्चे को ही अपना शिकार बनाएगा। शेर ने लोमड़ी का बच्चा पकड़ा लेकिन वह बहुत छोटा था, जिस वजह से वह उसे मार नहीं सका। वह उसे जिंदा ही पकड़कर घर लेकर चला गया। शेरनी के पास पहुंचकर उसने बताया कि आज उसे एक भी शिकार नहीं मिला। रास्ते में उसे यह लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया तो वह उसे ही मारकर खा जाए। शेर की बातें सुनकर शेरनी ने कहा जब तुम इसे मार नहीं पाए तो मैं कैसे इसे मार सकती हूँ, मैं इसे नहीं खा सकती, इसे भी मैं अपने दोनों बच्चों की तरह ही पाल पोस कर बड़ा करूँगी और अब यह हमारा तीसरा पुत्र होगा। उसी दिन से शेरनी और शेर लोमड़ी के बेटे को भी अपने पुत्रों की ही तरह प्यार करने लगे। वह भी शेर के परिवार के साथ बहुत खुश था, उन्हीं के साथ खेलता कूदता और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वह सारे ही शेर हैं। जब वह तीनों कुछ और बड़े हुए तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन उन्होंने वहाँ पर एक हाथी को देखा। शेर के दोनों बच्चे उस हाथी के पीछे शिकार के लिए लग गए। वहीं लोमड़ी का बच्चा डर के मारे उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन शेर के दोनों बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी और हाथी के पीछे लगे रहे और लोमड़ी का बच्चा वापस घर पर शेरनी माँ के पास आ गया। कुछ देर बाद जब शेरनी के दोनों बच्चे भी वापस आए तो उन्होंने जंगल वाली बात अपनी माँ को बताई। उन्होंने बताया कि वह हाथी के पीछे गए लेकिन उनका तीसरा भाई डर कर घर वापस भाग आया। इसे सुनकर लोमड़ी का बच्चा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा तुम दोनों जो खुद को बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पटक कर जमीन पर गिरा सकता हूँ। लोमड़ी के बच्चे की सुनकर शेरनी ने उन्हें समझाया कि उसे अपने भाइयों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, उसके भाई झूठ नहीं बोल रहे बल्कि वे दोनों सच ही बता रहे हैं। शेरनी की बात भी लोमड़ी के बच्चे को अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने कहा तो क्या आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ और हाथी को देखकर डर गया था। लोमड़ी के बच्चे की इस बात को सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले गई और उसे उसके लोमड़ी होने का सच बताया। हमने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही बड़ा किया है, उन्हीं के साथ तुम्हारी भी परवरिश की है, लेकिन तुम लोमड़ी वंश के हो और अपने वंश के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस भाग आए। वहीं तुम्हारे दोनों भाई शेर के वंश के हैं, इस वजह से वह हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग गए। शेरनी ने आगे कहा अभी तक तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे लोमड़ी होने का पता नहीं है, जिस दिन उन्हें यह पता चलेगा वह तुम्हारा भी शिकार कर सकते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्द ही भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। शेरनी से अपने बारे में सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और मौका मिलते ही वह रात में वहाँ से छिपकर भाग गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कायर और डरपोक वंश के लोग
अगर बहादुर लोगों के बीच भी रहें तो भी वे बहादुर नहीं बन सकते हैं। उनकी आदतों में उनकी वंशज की सोच और दक्षता की झलक बनी रहती है। थैंक यू।